अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मिशन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे जाके ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सर नर्सिंग के एडमिशन के हवाले से बता दें, सर एन कैट के हवाले से बता दें, नर्सिंग के एंट्री टेस्ट के हवाले से बता दें। उसी के हवाले से स्टूडेंट्स फाइनली जो अपडेट आई है वो आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस पेज को फॉलो नहीं किया, इसको फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशंस की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने नर्सिंग में एडमिशन लेना है, जो स्टूडेंट्स परेशान है, स्टूडेंट्स आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप जैसे ही आपके नर्सिंग के एडमिशन अभी तक तो ओपन नहीं हुए, अगर आपका एन कैट होना होता, अगर आपका एंट्री टेस्ट होना होता तो अभी तक आपका शेड्यूल आ जाना था। लेकिन इस बार उम्मीद है जो कंडीशन चल रही है, क्योंकि अभी तक आपका कोई भी उन्होंने जो एंट्री टेस्ट का शेड्यूल है, नर्सिंग टेस्ट का शेड्यूल है, एन कैट का जो शेड्यूल है वो इन्होंने कोई भी शेड्यूल नहीं दिया, तो चांस यही है कि आप अगर, क्योंकि अगर इसमें टेस्ट वगैरह होना होता तो अभी तक शेड्यूल आ जाना था, लेकिन अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया। तो इससे जो मुझे लग रहा है, जो मेरे एक्सपीरियंस है, मुझे जो है वो आइडिया हो रहा है, उससे मुझे यही लग रहा है कि आपका जो इस बार टेस्ट है, नर्सिंग टेस्ट है, वो नहीं होगा। तो वैसे एन कैट के हवाले से कुछ वीडियोस मैंने पहले आपसे शेयर भी की थी, लेकिन इसी वजह से हमने इसकी तैयारी जो है अभी तक स्टार्ट नहीं करवाई थी एन कैट की, क्योंकि इसमें अभी हमें कंफर्म नहीं था कि एन कैट होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर अभी तक इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आ जाती तो उसमें वाजह क्लियरली पता चल जाना था कि आपका टेस्ट होना है या नहीं होना। तो अभी तक कोई भी इन्होंने जो है वो शेड्यूल जारी नहीं किया, तो इससे जो है वो मुझे लग रहा है कि आपका जो टेस्ट है वो नहीं होगा। पिछले साल की तरह ही उम्मीद है कि आपका जो मेरिट है वो बनेगा आपके एफएससी के नंबरों की बेस पे ही। तो उम्मीद है कि इसी मंथ अक्टूबर में एंड पे जाके जो है वो आपके जो नर्सिंग के एडमिशन है वो ओपन किए जाएंगे। अगर नर्सिंग के एडमिशन ओपन नहीं होते तो फिर एलएचबी के जो एडमिशन है वो इस मंथ में जो है ओपन किया जाएंगे, या नर्सिंग के होंगे या एलएचबी के। तो नेक्स्ट नवंबर में भी आपके एडमिशन का चांस मौजूद है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तमाम स्टूडेंट चैनल के साथ कनेक्टेड रहे, तमाम तरह अपडेट्स जो है वो आपसे इसी चैनल पर शेयर की जाएंगे। प्रीवियस ईयर भी बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स ने, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसी चैनल के तवसत से जो है वो डिफरेंट कॉलेज में अपना जो एडमिशन है वो शेयर किया है, क्योंकि इस चैनल पे हमने आपको कंप्लीट ए टू जेड डिटेल शेयर की हुई है कि आपने ज्वाइनिंग किस तरह देनी है, आपने मेरिटों को किस तरह चेक करना है, आपने जो है वो अप्लाई किस तरह करना है, चलान किस तरह पे करना है, क्या मिस्टेक स्टूडेंट्स अप्लाई करते वक्त करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मटीरियल मैंने पिछले साल भी शेयर किया था। इंशाल्लाह इस बार भी जैसे ही एडमिशन ओपन होते हैं तो आपको ए टू जी इसी चैनल पे जो है प्रॉपर गाइड किया जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपके अप्लाई की सर्विसेज भी आपको इसी चैनल पे दी जाएंगी, और बाकी जो भी कंडीशन है होगी एन कैट की या फिर एंट्री टेस्ट की, तो उसके हवाले से भी प्रॉपर आपको इसी चैनल पे गाइड किया जाएगा। इस वजह से मैं आपको हमेशा ये कहता रहता हूँ बार बार कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही एडमिशन ओपन हों तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो पहुँच सके। तमाम तरह अपडेट्स इंशाल्लाह आपसे इस चैनल पर शेयर की जाएंगी। दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा।